आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो त्योहारों में ना बढ़े खाने के तेल के दाम, सरकार ने कर दिया है इंतजाम। देश में त्योहारी सीजन का आगाज हो चुका है और रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे पर्व पूरे यहाँ पर हो चुके हैं। आजकल पितृपक्ष के दिन भी चल रहे हैं, इसके चलते नवरात्र का आगमन भी होगा और दशहरा, दिवाली और देव दीपावली जैसे त्यौहार भी आएंगे। वह त्योहारों पर हर साल की तरह इस बार भी जो है खाने के तेल यानी एडेबल ऑयल जो है महंगे ना हो, इसके लिए इंतजाम सरकार ने कर दिया। दरअसल त्योहारी सीजन के दौरान हर साल अपने यहाँ पर, मतलब हर साल आपने जो है नोटिस किया होगा कि खाने के तेल के दाम, चावल आटा वगैरह जो है दाम उनके बढ़ जाते हैं। इस साल ऐसा नहीं हो, इसके लिए सरकार ने जो है खाद्य तेल कंपनियों को रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने के लिए कहा है। बता दें आपको कि पिछले हफ्ते यानी 14 सितंबर को केंद्र सरकार जो है उसने घरेलू तेलन की कीमतों को सपोर्ट करने के लिए कई तरह के खाने के तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है BCD उसमें इजाफा किया था। वहीं 14 तारीख को अपने फैसले में केंद्र सरकार ने खाने के तेलों पर आयात ड्यूटी बढ़ाई थी, जिसके बाद साफ तौर पर खाने के तेल जैसे सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड पाम तेल महंगे होने की आशंका बन गई। हालांकि केंद्र सरकार को ये पता है कि कम बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले से इंपोर्ट किए गए तेल पर करीब 30 लाख टन स्टॉक इसमें है, जो कि 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए काफ़ी है। इसलिए केंद्र सरकार ने एडिबल ऑयल एसोसिएशन को जो है ये पक्के तौर पर यहाँ पर कहा है कि पहले वाला स्टॉक रहने तक खाने के तेल के दाम जो है वो ना बढ़ाए जाए। वही सरकार ने जो है खाने के तेल प्रोसेस करने वाले लोगों को यहाँ पर कहा है कि हाल में ही की गई इम्पोर्ट ड्यूटी में वे एडेबल ऑयल की रिटेल कीमतों का इजाफा ना करें। वह सरकार ने कहा है कि ऑयल प्रोसेस के पास कम कीमत पर भेजे गए खाने के तेल पर का भरपूर स्टॉक मौजूद है और इसके चलते तेल के दाम बढ़ाने से उनको बचना चाहिए। तो यह यहाँ पर राहत वाली खबर जो है सरकार ने दी है। बात अब बताए अगली बड़ी खबर की, तो दिल्ली में बंद होंगे ग्रामीण ऑटो। दिल्ली सरकार ने दी है मंजूरी, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा परिवहन जो वाहन जो है उनको इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी देती है। मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों के 15 साल पूरा होने को और ज्यादातर ग्रामीण सेवा वाहनों के हालात जर्जर हो चुके, इसी बात की जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री ने दी है। दरअसल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलकर हम न केवल प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं बल्कि दिल्ली वासियों को यात्रा अनुभव को बेहतर और सुगम बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह ग्रामीण सेवा 2011 में शुरू किया गया था, जिसमें ड्राइवर को छोड़कर 6 यात्रियों को बैठाने की क्षमता यहाँ पर होती है। ये वाहन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, नागरिक पुनर्वास कॉलोनियों और जे समूह में चलते हैं। वर्तमान में पूरी दिल्ली में जो है 2000 से अधिक ग्रामीण जो सेवा वाहन जो है वो फिलहाल सेवा में है। ग्रामीण सेवा वाहन के जो मालिक जो है वो नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, वे दिल्ली परिवहन की फैसले सेवा के जरिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड जरूरी है, परंतु यदि आधार उपलब्ध नहीं है तो एनरोलमेंट ID का उपयोग भी किया जा सकता है। वह एक बार जो आवेदन जमा हो जाने के बाद पंजीकरण जो पदाधिकारी जो है 7 दिनों के भीतर नो यूज सर्टिफिकेट जो है NDC जो है वो जारी करेंगे। यदि कोई समस्या पाई जाती है तो मालिक को सूचित किया जाएगा और उन्हें 7 दिनों के भीतर उसे हल करना होगा। तो ये दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिलाओं के लिए कुछ खबरें देखिए। सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को रोजाना यहाँ पर 1 साल के अंदर जो है मिलेंगे 10,000 रुपये, इस तारीख को आएगी पहली किस्त। महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर साल जो है 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये 10,000 रुपये 5,000 रुपये की 2 किस्तों में दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ये किस्तें कब और कब महिला को बैंक के खाते में आएगी। बताया जाए कि 17 सितंबर को भुवनेश्वर में ओडिशा में PM मोदी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी। ये योजना खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाई गई है। ये भारत की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से ओडिशा के 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा। वह सुभद्रा योजना के पात्र महिलाओं को अगले 5 साल के दौरान जो है 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी और हर साल जो है 10,000 रुपये दिए जाएंगे जो किस्त में यहाँ पर मिलेंगे। भाई पहले किस्त में जो है यहाँ पर 5,000 रुपये की राखी पूर्णिमा के दिन दिए जाएंगे और दूसरी किस्त जो है 5,000 रुपये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। ये जो राशि जो है DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। योजना के शुरू होते ही 10 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में जो जमा राशि जो है वो
यहाँ पर कर दीजिए। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर बिहार से, ये बड़ी खबर देखिए। बिहार में अगर नहीं लगाया है आपने स्मार्ट मीटर तो अब कटेगी बिजली। सरकार का नया फरमान हो चुका है जारी। बिहार के अंदर अगर आपने स्मार्ट मीटर नहीं लगाया तो आपकी खैर नहीं है, दरअसल बिजली जो है आपकी कट सकती है। दरअसल बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का रजत जो है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और सांसद पप्पू यादव विरोध कर रहे हैं। कल जो है बिहार कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक रैली भी निकाली थी, लेकिन नीतीश कुमार सरकार युद्ध स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने का फरमान जारी कर रखा है। नए आदेशों में सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने की तारीख दे दी गई है। तय सीमा के अंदर टारगेट पूरा करने में देरी और लापरवाही के कारण 3 मॉनिटरिंग एजेंसी सचिव पर कार्रवाई करते हुए हाईप्रिंट, NSC और डानी पावर और ECL जैसी कंपनियों को जो है ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया है। तो बिहार के अंदर से ये फिलहाल रात मतलब बहुत बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जिसमें जो है बड़ा फैसला लिया गया है। बाद में बताया अगली बड़ी खबर की। तो महंगे रिचार्ज से अब लोगों को मिलेगी राहत। 5 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने का विचार कर रही है सरकार। ग्रीन कोड में आपको मिलेगी हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट सर्विस। पीएम मोदी की देश के हर नागरिक को डिजिटल तौर पर कनेक्ट करने की जो इच्छा जो है वो पूरी होती नजर आ रही है। दरअसल मोदी जी की एक जो कोशिश जो है महंगे रिचार्ज प्लान के बीच जो है यहाँ पर बाधा बन रही है। यही वजह है कि सरकार एक नया प्लान लेकर आई है जिसके तहत पूरे देश में 5 करोड़ पीएम वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, जिसके जरिए सरकार जो है सरकार की ओर से पीएम वाणी फॉर्मवर्क गाइडलाइन में सुधार किया गया है। सरकार इस बदलाव के बाद कोई भी नागरिक अपने इलाके में व्यक्तिगत हॉटस्पॉट जो है वो लगा पाएगा। दरअसल मौजूदा वक्त में पूरे देश में मोबाइल टावर के जरिए मोबाइल इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मोबाइल टावर मौजूदगी जो है कम है। ऐसे में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए सरकार जो है वो कॉलिंग, मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल में दिक्कत यहाँ पर को देखते हुए ये स्कीम जो है वो लेकर आई है, और इसमें जो है कई लोगों को फायदा होगा। यानी अब पीएम वाणी वाईफाई स्कीम के जरिए सरकार हर इलाके में ब्रॉडबैंड वाईफाई हॉटस्पॉट बना रही है, जो कि एक बड़े इलाके में सस्ती कीमत पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। पर सरकार का मानना है कि इस बदलाव का बड़ा असर मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में देखने को मिलेगा। इससे देश भर में लाखों की संख्या में माइक्रो वाईफाई यानी माइक्रो वाईफाई की जो सेवा जो है वो यहाँ पर लगाई जाएगी, यानी माइक्रो वाईफाई हॉटस्पॉट बनाकर यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, और इसे मोबाइल टावर के मुकाबले में ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। सस्ता इंटरनेट जो है लोगों को प्राप्त होगा। वही मेटा, गूगल और अमेजोन, TCS जैसी टेलीकॉम फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रॉडबैंड इंडिया फॉर्म जो है BIF, उसकी रिपोर्ट के बारे में दूसरी कंपनियों की ओर से जो है दिए जाने वाले बयान जो है यहाँ पर सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीएम वाणी एक जरूरी प्रोडक्ट है और इसके जरिए जो है यहाँ पर राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें रोजाना खबरें इसी तरह की प्राप्त करने के लिए।